हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टडी चेकर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी स्पोर्ट्स को खेलते हो, जैसे रनिंग वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो टाइम काउंट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो फिर उसके बाद में मैंने ये सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो अब आगे देखते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में स्टडी चेकर सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैटेगरीज दी हुई हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हो। इसमें बेसिकली कैटेगरीज टू टाइप्स हैं, जैसे एक स्टडी और दूसरी कैटेगरी एक्सेट्रा। स्टडी में जितना भी टाइम आप स्टडी को देना चाहते हो वो सारा के सारा स्टडी में काउंट होगा, और एक्सेट्रा में जो टाइम आप अलग से स्पेंड कर रहे हो वो एक्सेट्रा के अंदर जाएगा। इसमें आप कैटेगरीज भी मैनेज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दो कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है, एक LLM जुडिशरी और सेकंड कैटेगरी है वीडियो लेक्चर। बट आप इसमें कैटेगरीज और ज़्यादा बढ़ा सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे IPC, CRPC, एविडेंस, और अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें एक्सेट्रा की कैटेगरीज में जैसे स्लीपिंग, फ्री टाइम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेटजी प्रिपरेशन, वॉचिंग TV एक्सेट्रा, इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हो। इनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो मैनेज कैटेगरीज में जाके, इनमें आप अलग अलग कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, और दूसरी साइड अलग कैटेगरीज है, इन्हें चेंज कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, और नई कैटेगरीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद में बात आती है इसकी स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स जो है ये डेली की स्टैटिस्टिक्स बना के दिखा देता है, आपको ग्राफ बना के दिखा देता है। अगर आप डेली की स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहे हो तो आपको ये 3 दिन का ग्राफ बना के बता देता है, और नीचे पाई चार्ट भी बना के बता देता है कि आपने कितना काम किया है, कैसे किया है, किस किस कैटेगरी में किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, एक्सरसाइज को कितना टाइम दिया, रनिंग को कितना टाइम दिया है, ये सारी चीज़ें ये बता देता है डेली ग्राफ में। फिर वीकली ग्राफ भी दिया हुआ है, जैसे वीकली ग्राफ में आपको सारी की सारी चीज़ें बता देगा। इसमें जैसे देख लेते हैं, जैसे मेरा वीकली ग्राफ है एक वीक का, इसमें हर एक चीज़ के बारे में जैसे बताया हुआ है, तो एवरेज भी बता रखी है इसमें। टोटल इस वीक में मैंने दिए थे 41 आवर्स स्टडिंग में, जिसकी एवरेज है 6 आवर 56 मिनट्स। तो इन्होंने LLM के लिए इतना टाइम दिया है, और वीडियो लेक्चर्स को इतना टाइम दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें, और स्ट्रेटजी प्रिपरेशन वगैरह में इतना टाइम दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्राफ बनाकर ये बता देता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद में वीकली के बाद में मंथली स्टैटिस्टिक्स भी आ जाती है, मंथली चार्ट, जैसे इस मंथ का ये दिखा रहा है कि कितना टाइम स्पेंड हुआ है, एवरेज कितनी जा रही है, LLM के लिए जैसे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह उसके लिए कितना टाइम दिया गया है, और हर मंथ को इनका जो एवरेज है वो कंपेयर कर सकते हैं हम। जैसे इस मंथ में एवरेज रहा है 2 आवर्स 25 मिनट्स, उससे पहले वाले मंथ में 2 आवर 57 मिनट्स की एवरेज रही थी, और उससे पहले 5 आवर 25 मिनट्स की एवरेज, उससे पहले 9 आवर 16 मिनट्स की एवरेज रही थी। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर भी करके देख सकते हैं, नीचे पाई चार्ट भी बन के आता है, और हर एक सब्जेक्ट में आपने कितना कितना टाइम दिया है, कितनी कितनी परसेंटेज शेयरिंग हुई है, ये सारा के सारा इससे पता चल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी है, किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है ये। वो उसमें आप अपने स्पोर्ट्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों का टाइम डिवाइड कर सकते हो, कितना टाइम आपने TV को दिया है, कितना टाइम आपने इंटरनेट यूज़ करा है। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो स्पोर्ट्स में हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फ्रेंड्स।